नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। इससे पहले गुरुवार को मोदी मंत्रिमंडल की बैठक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी जारी करने की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस के अवसर पर एक एक्स पोस्ट कर महिलाओं को बधाई दी और इसके साथ ही ऐलान किया कि एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम कर दिए गए हैं। इस ऐलान के बाद अब सिलेंडर की कीमतें देश भर में 100 रुपए कम हो जाएंगी। होली और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ये बड़ा फैसला है। बता दें कि इससे पहले बीते साल दिवाली से पहले सरकार की ओर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई थी। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा ऐलान किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। पोस्ट में आगे कहा गया कि रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा लक्ष्य परिवारों की भलाई का समर्थन करना और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना भी है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। फिलहाल देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर नजर डालें तो राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 903 रुपए, कोलकाता में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का दाम 929 रुपए थे। वहीं इसके अलावा मुंबई में इसकी कीमत 902 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 918 रुपए 50 रुपए चल रही थी। वहीं गौरतलब है कि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से इस बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी शेयर की गई थी।